तो लेक्चर 8 है हम। इन लेक्चर 8 वी विल डिस्कस डेफिनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी अप्रोक्सीमेशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम, कंडक्टर इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, एनर्जी बैंड डायग्राम, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एंड बेसिक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी। तो डेफिनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी से पहले मैं रेडिएशन के बारे में बता रही थी कि हर एक बॉडी क्या करती है, रेडिएशन एमिट करती है, या ऐसे बोले कि हर एक बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट चाहती है, स्टेबिलिटी चाहती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, अगर वो हॉट है और आसपास के एटमॉस्फेयर में कोल्ड है तो वो रेडिएशन एमिट करेगी, और अगर वो कोल्ड बॉडी है तो आसपास हॉट है तो वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी। तो हर एक बॉडी क्या करती है, इक्विलिब्रियम स्टेट उसको चाहिए। तो बॉडी कंटिन्यूसली एमिट बाय वर्च्यू ऑफ देयर टेम्परेचर, दिस एनर्जी इज कॉल्ड रेडिएशन एनर्जी और थर्मल एनर्जी। इट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद द स्पीड ऑफ लाइट। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोपोगेशन ऑफ दीज वेव। हर एक बॉडी रेडिएशन एमिट करेगी, उसको हम थर्मल एनर्जी या रेडियंट एनर्जी बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं, इसको चलने के लिए हमें कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है। बैन दीज वेव फॉल ऑन बॉडी विच इज नॉट ट्रांसपेरेंट टू देम, दे कुछ नहीं दिख रहा। एंड देयर एनर्जी कंसिस्टेंट टू ठीक। अगर किसी बॉडी पे इंसिडेंट होंगी तो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाएगा और वो बॉडी थोड़ी हीटअप हो जाएगी। बॉडी इज नॉट ओनली एमिट एनर्जी बट ऑल्सो एब्जॉर्ब एनर्जी एमिटेड बाय अदर बॉडीज इन द नेबरहुड। ठीक है, तो बॉडी खाली एमिट नहीं करती है एनर्जी, एब्जॉर्ब भी करती हैं। जो भी इसके सराउंडिंग्स का टेम्परेचर अगर हीट है तो उसके रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब करती हैं। द रेट ऑफ एमिशन इज हायर देन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। उस केस में क्या होगा कि एमिशन का रेट हायर होगा अगर एमिट कर रहा है, और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा कर रहा है तो एब्जॉर्प्शन का रेट हायर होगा। और हम मेनली क्या होगा, बेसिकली टेम्परेचर दोनों स्टेट, दोनों सराउंडिंग्स का और बॉडी का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम स्टेट में हमारा मेन आना होता है। तो बेसिक ये हमारी रेडिएशन की डेफिनेशन है। ठीक है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ना है तो ब्लैक बॉडी पढ़ना है। ब्लैक बॉडी क्या होती है, अ ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल बॉडी विच अलाउ होल ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन टू पास इट सेल्फ विदाउट रिफ्लेक्टिंग द एनर्जी एंड एब्जॉर्ब विद इन इट सेल्फ द होल इंसिडेंट रेडिएशन विदाउट passing on the energy. This property is valid for radiation corresponding to all wavelengths and to all angle of incident. Therefore, black body is ideal absorber of incident radiation. और हमें अपेयर कैसी होगी, ब्लैक होगी। अब ऐसे नहीं है कि कोई हमें बॉडी ब्लैक दिख रही है तो वो ब्लैक बॉडी होगी। ब्लैक बॉडी का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है कि जितना रेडिएशन उस पर इंसिडेंट होता है वो सारा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, और जब हम उसको गर्म करना या हीटअप करना स्टार्ट करते हैं तो रेडिएशन को वो एमिट करती है, और जो रेडिएशन एमिट हो रहा है उसमें सारी वेवलेंथ इंक्लूड होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेड हो रही है या ग्रीन हो रही है, ये हो सकता है कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई वेवलेंथ डोमिनेट कर रही हो, बट जो रेडिएशन एमिट होगा उसमें सारी वेवलेंथ होंगी। ये हो सकता है कुछ की एनर्जी ज़्यादा हो कुछ वेवलेंथ की, कुछ की वेवलेंथ की एनर्जी कम हो। और अगर ऐसे मानो किसी बॉडी की एमिसिव या एब्जॉर्प्टिव पावर, हमने बोला कि 5000 एंगस्ट्रॉम पे 0.95% है, तो इसका मतलब ये है कि 95% सपोज वो वेव पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करती है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जो एब्जॉर्प्टिव पावर हो गई वो 95% हो गई, है ना। 95% वो उस पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, सारे रेडिएशन को नहीं कर रहा है। अगर एब्जॉर्प्टिव पावर हम बोल रहे हैं कि 95% है, तो यानी कि 95% वो हर एक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। ब्लैक बॉडी अप्रोक्सीमेशन, अब ब्लैक बॉडी पर्टिकुलरली कोई आइडियल ब्लैक बॉडी तो होती नहीं है, तो हम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक केविटी फॉर्म करते हैं। ठीक है, उस केविटी में हम एक होल रखते हैं, होलो केविटी होती है, किसी भी मेटल की बना सकते हैं। उस केविटी के हम सामने जो है ट्रायंगुलर फॉर्म में एक शीट उसी मेटल की लगा के रखते हैं, जिससे वो रेडिएशन जब उसमें एक बार एंटर हो जाए तो इससे बाहर नहीं निकले, एस्केप नहीं हो पाए यहाँ से, है ना। तो
मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शंस हों और वो रेडिएशन इसके अंदर ही ट्रैप्ड होके एब्जॉर्ब हो जाए. तो गुड अप्रॉक्सीमेशन ऑफ ब्लैक बॉडी इज अ स्मॉल होल लीडिंग टू इनसाइड अ होलो ऑब्जेक्ट. द होल एक्ट एज ए परफेक्ट एब्जॉर्बर. द नेचर ऑफ रेडिएशन लीविंग द केविटी थ्रू द होल डिपेंड्स ऑन ओनली टेम्परेचर ऑफ द केविटी. द ओपनिंग ऑफ द केविटी इनसाइड द होलो ऑब्जेक्ट इज द गुड अप्रॉक्सीमेशन ऑफ ब्लैक बॉडी. द होल एक्ट एज ए परफेक्ट एब्जॉर्बर. और अगर इसको गर्म करना स्टार्ट करेंगे तो फिर यहाँ से रेडिएशन भी एमिट होगा. ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रा. तो ल्यूमर एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था. उन्होंने ब्लैक बॉडी को हीट करना स्टार्ट किया था डिफरेंट टेम्परेचर पे. तो यहाँ पे एक जैसे एक ब्लैक बॉडी की फॉर्म में एक यहाँ पे स्फीयर भी दिखाया हुआ है और यहाँ पे नीचे जलते हुए भी दिखा रहे हैं कि इसको हम गर्म करना स्टार्ट कर रहे हैं. तो उन्होंने क्या किया, एक ब्लैक बॉडी लिया, ब्लैक बॉडी को गर्म करना स्टार्ट किया और उससे फिर इसके कलर चेंज होते हुए भी दिखा रहे हैं. तो क्या हो रहा है कि कंटिन्यूसली ये गर्म होना स्टार्ट हो जाती है और जो इससे रेडिएशन एमिट हुआ उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन. उस रेडिएशन को उन्होंने हाँ बताइए ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम या ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये हम पढ़ क्यों रहे हैं? हमें क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना है. ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स हमें पढ़ना है. क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए होती है. और ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, कॉम्प्टन इफेक्ट हो गया, ये हमारा माइक्रोस्कोपिक जो थ्योरीज थी उनसे एक्सप्लेन नहीं हो पाया, या क्लासिकल मैकेनिक्स थी उससे एक्सप्लेन नहीं हो पाया. इसको एक्सप्लेन करने के लिए प्लांक्स ने जो आइडिया दिया हमें फोटोन का, उससे ही एक्सप्लेन हुए. ठीक है, तो हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि क्लासिकली कैसे एक्सप्लेन किया गया, और क्लासिकली जब ये एक्सप्लेन नहीं हुआ तो फिर क्वांटम मैकेनिकली यानी प्लांक्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग फिर एक्सप्लेनेशन हमें कैसे मिली. तो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़नी है, जो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज हैं उनकी जो फिजिक्स है, वो जो न्यूटन्स ने हमें फिजिक्स दी वो उन पार्टिकल्स पे अप्लाई नहीं हो पाती है. ठीक है, तो इसलिए हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ रहे हैं. तो पहले कौन सी थ्योरीज थी, किस किस को क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो पढ़ रहे हैं, फिर पढ़ेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स क्यों पढ़ रहे हैं. मैम क्वांटम मैकेनिक्स का ये पहला लेक्चर है या इससे पहले भी कोई लेक्चर हुआ है? बेटा अभी क्वांटम मैकेनिक्स का कोई ये लेक्चर नहीं है, ये सिर्फ रिविजन है जो आप ट्वेल्थ में पढ़कर आ रहे हैं, या आप ट्वेल्थ में क्लासिकल फिजिक्स में, मतलब जो आपकी ट्वेल्थ वाली फिजिक्स है उसमें पढ़कर आए हैं सारे टॉपिक्स. ठीक है, तो अभी अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस हमने डिस्कशन स्टार्ट नहीं किया है. ठीक है, ये जनरल डिस्कशन है, जनरल डिस्कशन है. तो अगर हम ब्लैक बॉडी को हम अगर गर्म करते हैं तो इससे ब्लैक बॉडी रेडिएशन निकलता है और इसको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं. अगर हम इसके रेडिएशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दें कि किस टेम्परेचर पे किस तरीके का रेडिएशन एमिट हुआ, किस वेवलेंथ की कितनी एनर्जी मिली, तो उस ग्राफ को हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जो ल्यूमर ने एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया. ये जो हम ग्राफ यहाँ पे शो कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, थ्योरेटिकल ग्राफ नहीं है. फिर जब फिजिक्स में देखो दो पार्ट होते हैं, एक हमारा एक्सपेरिमेंटल पार्ट होता है, एक थ्योरेटिकल पार्ट होता है. कुछ चीज़ों की थ्योरी पहले आ जाती है फिर उन पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है. कई बार कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, वहाँ से हमें कुछ डाटा मिलता है, फिर उस डाटा को हम थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं. और कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, कई बार थ्योरी बहुत पहले आ चुकी होती है, उसके जो हमारे डिवाइसेज हैं या वो एक्सपेरिमेंट है वो काफ़ी बाद में बनते हैं. जैसे आइंस्टाइन की बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं जिनके कुछ चीज़ें बन चुकी हैं, कुछ अभी भी बन रही हैं. तो फिजिक्स में ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं, कुछ केसेस में थ्योरी पहले आ जाती है. तो ब्लडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम में यहाँ पे क्या हुआ कि थ्योरी भी आ चुकी है, ऐसा नहीं था. स्टीफन लॉ मिल चुका था हमें, किरचॉफ लॉ मिल चुका था, वीन्स लॉ ने फिर इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की. तो हुआ क्या कि जब ल्यूमन ने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम में. तो उन्होंने ग्राफ किस तरीके से देखा कि ग्राफ ऐसा नहीं है कि मैंने इसको हीट किया तो सारी वेवलेंथ के रेडिएशन मिल रहे हैं. ये सारी वेवलेंथ के रेडिएशन तो मिल रहे हैं लेकिन कुछ की एनर्जी कम मिल रही है, कुछ की एनर्जी हमें ज़्यादा मिल रही है. और जैसे जैसे हम इसको हीट कर रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन जो हमारी पीक वेवलेंथ है कि जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है वो भी यहाँ पे शिफ्ट होती भी जा रही है.
तो ये ग्राफ इस तरीके से क्यों आ रहा था ये ल्यूमर को नहीं पता था, तो इसको साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की. देखो ग्राफ ही कैसा आया दिखाते हैं. ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आया कि अगर हम सपोज यहाँ पे डाटा लिख रखा है कि अगर 2000 केल्विन हम इसको हीट करते हैं तो इस वेवलेंथ की एनर्जी ज़्यादा है, बट यहाँ पर वेवलेंथ जो मिल रही है वो हमें कम मिल रही है. फिर हमने इसको और टेम्परेचर बढ़ाया तो पीक वैल्यू जिस पे एनर्जी ज़्यादा मिल रही थी वो लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो गई और एनर्जी हर एक पॉइंट पे इंक्रीज हुई लेकिन सबकी सेम नहीं हुई. ठीक है, अगर सबकी सेम एनर्जी जो एमिटेड रेडिएशन है अगर सबकी वेवलेंथ सेम एनर्जी सेम होती तो ये क्या होता, ये स्ट्रेट लाइन होता. बट ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो मतलब हर एक वेवलेंथ की जो एनर्जी एमिटेड एनर्जी है वो या इंटेंसिटी है वो डिफरेंट है. तो ग्राफ की जो शेप है वो हमें ये बता रही है कि एक तो लोअर वेवलेंथ और हायर लोअर वेवलेंथ और हायर वेवलेंथ पे जो एनर्जी मिल रही है एमिशन की वो हमें कम मिल रही है. जैसे हाँ जी मैम, वो जो फ्लक्स वाला लास्ट ग्राफ में बता रहे थे मैम, वो ब्लैक बॉडी से कितनी लाइट एमिट कर रही है उसको बता रहे हैं, रेडिएशन. हाँ, कितना रेडिएशन एमिट कर रहा है. यही ग्राफ है, सेम ये ग्राफ है. वो तो एनिमेटेड ग्राफ है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर लाइन से दिखा रखा है कि सपोज जैसे 2000 केल्विन है तो यहाँ पर ये तरीके का ग्राफ है, 3000 केल्विन है तो इस तरीके का ग्राफ है. ठीक है, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात कर रहे हैं. ओके मैम. ठीक है, तो अब इसके स्पेक्ट्रा में ये चेंज देखो. अब हमारा स्टीफन्स लॉ क्या कहता है कि इक्वल टू सिग्मा टी टू पावर 4 होता है. तो मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे जो एनर्जी एमिशन होगा वो इंक्रीज होगा. वो इस ग्राफ से एक्सप्लेन हो रहा है, जैसे जैसे हम यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे हर एक वेवलेंथ पे की एनर्जी इंक्रीज हो रही है. ठीक है, सब पॉइंट्स पे इंक्रीज हो रही है. बट ये नहीं हो बता पा रहा है स्टीफन्स लॉ कि भाई ई हमारा प्रोपोर्शनल टू टी टू पावर 4 तो है लेकिन इस वेवलेंथ की बात करें यहाँ एनर्जी कम है, इस वेवलेंथ की बात करें इस रेंज में यहाँ एनर्जी कम है, बट अगर हम इस रीजन में बात करें तो एनर्जी ज़्यादा है इनके कंपैरिजन में इस टेम्परेचर पे. ऐसे ही इस टेम्परेचर की बात करें यहाँ पर एनर्जी इंक्रीज तो हुई है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बट यहाँ पर ज़्यादा इंक्रीज हो गई है. तो स्टीफन्स लॉ ये ग्राफ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था. स्टीफन्स लॉ ये तो बता रहा है कि एनर्जी टी टू पावर 4 के प्रोपोर्शनल होती है, बट कोई इस ग्राफ ये इस तरीके का क्यों आया एक्सपेरिमेंटली वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए. ठीक है, दूसरा स्टीफन से ये भी एक्सप्लेन नहीं हो पाया कि जो पीक वैल्यू है ये लोअर वेवलेंथ की तरफ क्यों शिफ्ट हो रही है. जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें किसी वेवलेंथ की मिल रही है वो लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रही है. ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसा क्यों आ रहा है, तो ये चीज़ें हमें स्टीफन एक्सप्लेन नहीं कर पाए, किरचॉफ लॉ से भी एक्सप्लेन नहीं हो पाई. तो फिर वीन्स ने इसको ग्राफ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की. तो अभी मैं एक वीडियो दिखाऊंगी वो यहाँ पे फिर वही डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो पहले इसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं. द इंटेंसिटी ऑफ एमिशन रेडिएशन इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर. तो दिख रहा है हर एक टेम्परेचर पे जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं इंक्रीज हो रहा है. अ पर्टिकुलर वेवलेंथ इंटेंसिटी ऑफ एमिशन बिकम मैक्सिमम. हर एक मतलब किस हर एक ग्राफ पे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे एक मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें मिल रही है. सब वेवलेंथ की मैक्सिमम इंटेंसिटी नहीं मिल रही है, पर्टिकुलर एक वेवलेंथ की मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है. द पीक वेवलेंथ डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर. जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है पीक वैल्यू की. जो पीक वैल्यू है वो लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है. स्टीफन्स लॉ इक्वल टू सिग्मा टी टू पावर 4 होता है. चलिए तो यहाँ पे मैं एक वीडियो दिखाती हूँ आपको इस ग्राफ को एक्सप्लेन, लेकिन जो मैं एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ वैसे ये सिलेबस का पार्ट है. ठीक है, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. अदरवाइज इतना ही था कि इस ग्राफ को जो क्लासिकल मैकेनिक्स है जैसे वीन्स लॉ है रेलाइजीन्स लॉ है वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो क्वांटम मैकेनिक्स हमारी आई. तो लेकिन चलिए वीडियो देख लेते हैं. अभी हम जो वीडियो देखेंगे वो हम लोग वैसे भी करेंगे.
completely absorb all radiation of all wavelength incident on it. It neither reflect nor transmit any radiation and therefore appear black, whatever be the color of incident radiation. A black body is not only a good absorber, but it also a good radiator as well. It absorb more when it is at cold and radiate more at high temperature. It is not possible to make perfectly black body. So an object that absorb all incident radiation, that it no reflection happens and appear black, it emit all radiation at certain temperature, is called black body. A small hole cut into a cavity is most popular and realistic example of design by Ferry. None of incident radiation escape from it. This is the example of perfectly black body. This is the example of perfectly black body. This is a cavity in which a small hole, and in front of a small hole, there are small triangle piece. So no radiation escape from this cavity. Black body radiation spectrum. Explain the black body radiation spectrum distribution. When black body is heated, it emits a radiation from all possible wavelengths. This radiation is known as black body radiation. In 1984, Stephens and Boltzmann shows that total energy radiated by black body per unit area, per unit time, is directly proportional to the fourth power of absolute temperature. Stephens gives the this law, E equal to sigma T to power 4. So E is directly proportional to the temperature fourth power. As we increase the temperature of black body, it emits radiation of all wavelengths and the intensity of all wavelengths increases. This diagram is known as black body radiation spectrum, where sigma is Stephen's constant. Stephen's law gives the total energy radiated by black body. The distribution of energy in black body radiation for different wavelength and different various temperature is determined by Lumer and his co-worker experimentally. This is experimental diagram which is determined by Lumer and his co-workers. So what this diagram explain, we see in next slide. The experiment result are from this radiation spectrum. The emission from black body at different temperature consists of all wavelengths. All graph, all lines are have all wavelengths. So emission from black body at different temperature consists all radiation of all wavelengths. At different given temperature, the energy is not uniformly distributed. This energy is not uniformly distributed. If this energy is uniformly distributed, this is a straight line. But this graph doesn't show a straight line. So at given temperature, the energy is not uniformly distributed. As temperature of black body increases, the intensity of each wavelength increases. As temperature changes, the intensity of all wavelength increases. This graph clearly shows. The amount of radiant energy emitted at a small wavelength and at very large wavelength is very small. All graph shows that at lower wavelength and higher wavelength, the value of intensity is very low. The wavelength corresponding to maximum energy, this is maximum energy at particular wavelength. The wavelength corresponding to maximum energy represent the peak of the curve, and this peak shift towards the lower wavelength or shorter wavelength, that is red to blue, as temperature increases. The wavelength corresponding to maximum energy represent the peak of the curve shift towards the shorter wavelength, that is red to blue, as temperature increases. This is called Wien's displacement law. This is called Wien's displacement law, and according to this, lambda maximum is directly or inversely proportional to 1 upon T. So the intensity of emission increases with increasing temperature. The graph clearly shows at particular wavelength, intensity emission become maximum. This
particular wavelength and intensity is maximum, and the peak wavelength decreases with increasing temperature. They shift towards to lower wavelength, that is lambda m is proportional to 1 upon t. Or Stefan's law, E equal to sigma t to power 4. So according to Stefan's, this graph is a straight line for a particular temperature. But why this graph have some peaks and why some wavelength have smaller values of intensity, Stefan's law cannot explain this clearly, because E is directly proportional to t to power 4, but in this there is no term in terms of according to wavelength. So some scientists want to explain this graph according to theoretical formula. So first, Wiens want to explain this graph. Or Wiens, according to Wiens, using the thermodynamics and classical concept, Wiens developed an expression of energy density. That is, U lambda d lambda equal to 8 pi sc upon lambda to power 4 e to power minus sc upon lambda kt d lambda. This is according to Wiens, and he derived this formula considering the thermodynamics and classical concept. And the Wiens law also state that the wavelength corresponding to maximum energy is inversely proportional to absolute temperature T of black body. This is Wiens displacement in lambda m t equal to constant. And this law is applicable for shorter wavelength, a large frequency, and this is emission formula. Now let's see this formula explain this graph or not. So consider lambda equal to zero. Okay, in this formula, there are two terms. In first term, lambda is inversely proportional to lambda to power 4. In second term, is exponential form. So when there are two terms, we consider an exponential form, or we consider the contribution of exponential form. If lambda equal to 0, then e to power become minus infinity. And e to power minus infinity equal to 0. So u lambda d lambda equal to 0. Okay. So this graph clearly explained. From here we can see easily this point. At lower wavelength, intensity is 0. As lambda increases, the value of graph is increases for any temperature. This graph is also show this. This graph is also show this. This temperature, at this temperature, this graph is also show this. But at particular wavelength or after a peak value, this graph falls towards to lower. But according to this law, as lambda increases, this graph goes like this, continuously increasing. So we can say Wiens law explain this graph at lower wavelength and fail to explain this graph at higher wavelength. This graph cannot explain by Wiens law at higher wavelength. Why? This graph is like this. And another point, if t is equal to infinity, e to power becomes minus 0 or 0, that is E equal to 1, or U lambda is a finite value. How? This gives the finite value. Okay, 8 pi sc upon lambda to power 5. So when temperature is infinite, U lambda d lambda is finite value. But according to Stefan's law, E is directly proportional to T to power 4. If T is infinite, energy density is also infinite. But according to Wiens' law, when T is infinite, energy density is a finite quantity. So this is a contradiction with Stefan's law. So Wiens' law is
applicable at lower wavelength and lower temperature and fail to predict the experimental data at higher temperature and higher wavelength. Rayleigh-Jean's law. According to this law, the radiant energy increases with decreases of wavelength and black body must radiate all energy at very short wavelength. Rayleigh drive an expression for energy density of radiation based on classical theory. Also, he also considered a classical theory. And this is given by this law expresses the energy distribution in spectrum of black body as a function of temperature. The Rayleigh-Jean's law may be given as U lambda d lambda equal to 8 pi kT upon lambda to power 4 d lambda, where U lambda is the radiant energy corresponding to wavelength, lambda c is the speed of light, capital T is absolute temperature, and k is Boltzmann constant. And now see, this expression can explain this graph. So when lambda is large, when lambda is large, then U lambda is small. Because U lambda is inversely proportional to lambda to power 4. So from this graph, it is clearly explained at higher wavelength, the energy density is minimum. As wavelength decreases, the value increases. From this graph, this also shows that as temperature, as wavelength decreases, the graph increases. But at particular wavelength, graph falls down to lower value of intensity. But according to this law, graph should be like this, continuously increases. So Rayleigh-Jean's law explain this graph higher wavelength, but fail to explain this graph at lower wavelength. And U is directly proportional to T, so there is no contradiction with Stefan's law, because according to this law, is U is proportional to T. As temperature increases, the intensity increases. This graph also shows that. And from Stefan's law, E is directly proportional to T to power 4. So as T increases, energy density increases. Max Planck. This is Max Planck. And this is all scientists. Now, black body radiation spectrum explained by Planck hypothesis, To explain the black body radiation spectrum, Planck proposed in hypothesis 90s. He derived the radiation law on the basis of following quantum assumptions. He considered that black body contain harmonic oscillator which vibrates with characteristic frequency nu. Along with material radiation, black body contain linear harmonic oscillator with all possible frequencies. Oscillator can absorb or emit radiation only in discrete energies from called photon or quanta, such as E n equal to nh nu, where n is a quantum number and h is a Planck constant. So Planck considered that black body contain harmonic oscillator and he derived a radiation formula, and average energy of Planck radiation oscillator is e to power h nu. यहाँ पे क्या बोला है, प्लैंक हाइपोथेसिस के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रा है प्लैंक के अकॉर्डिंग कैसे एक्सप्लेन होगा. तो उन्होंने क्या कहा कि जो हमारा ब्लैक बॉडी है वो एज ए ऑसिलेटर वर्क करता है, और जब एज ए ऑसिलेटर वर्क करता है तो कंटिन्यूसली वाइब्रेट करेगा, ठीक है, हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेगा ब्लैक बॉडी में जो है. हार्मोनिक ऑसिलेटर मतलब वाइब्रेशंस. हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली वाइब्रेट कर रहा है, जैसे फ्रीक्वेंस, या ये कह लीजिए कि जो उसमें एनर्जी लेवल्स हैं वो डिस्क्रीट फॉर्म में होंगे, ठीक है. अगर रेडिएशन का जो ट्रांजिशन है वो अगर लोअर एनर्जी से
हायर एनर्जी में एमिट हो रहा है जा रहा है तो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके जाएगा, और अगर हायर एनर्जी से जो एटम है वो लोअर एनर्जी में आ रहा है तो रेडिएशन को एमिट करके आएगा, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होगा। अब तक जो हम थर्मोडायनेमिक्स और ये सब कंसीडर कर रहे थे उसमें हम पार्टिकल की जो एनर्जी है वो कंटिन्यूस लेके चल रहे थे, बट जब हम हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, या तो दो एनर्जी, अगर सपोज दो एनर्जी लेवल की बात कर लेते हैं कि E1 है और E0 है, तो जो ट्रांजिशन होगा वो दो लेवल के बीच में होगा, एनर्जी का ट्रांजिशन होगा, डिस्क्रीट फॉर्म में एनर्जी एमिट होगी। तो ऑसिलेटर से मतलब यही है कि जो एटम है वो वाइब्रेट कर रहा है पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से, और जब एक या इलेक्ट्रॉन की बात कर लो वाइब्रेट कर रहा है, और जब वो एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में जाएगा तो कुछ रेडिएशन को एमिट या तो एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा, ज़िगज़ैग में करें। चले सो प्लैंक कंसीडर दैट ब्लैक बॉडी कंटेन हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड ही ड्राइव अ रेडिएशन फॉर्मूला एंड एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंक रेडिएशन ऑसिलेटर इज ई इक्वल टू एच न्यू ई टू पावर एच न्यू के टी माइनस वन एंड एनर्जी डेंसिटी given by Planck is u nu d nu equal to 8 pi h nu cube upon c cube 1 upon e to power h nu upon kt minus 1 d nu. This is in terms of frequency, because we study Wien's law and realize Jean's law in terms of lambda wavelength, so Planck's law is also in terms of wavelength, u lambda d lambda equal to 8 pi sc upon lambda to power 5, 1 upon e to power sc upon lambda kt minus 1 d lambda. Planck's radiation law can explain the experimental graph of black body radiation spectrum. At shorter wavelength, when lambda is small, e to power sc upon lambda kt is very large. We expand the exponential, like e to power sc upon lambda kt equal to 1 plus sc upon lambda kt upon vector factorial plus sc upon lambda kt square upon 2 factorial. As lambda is small, this quantity is large. We add a large number in 1. So e to power sc upon lambda kt is very, very greater than 1. Or e to power sc upon lambda kt minus 1 is approximately equal to e to power sc upon lambda kt. Put this value in Planck's radiation law. So u lambda d lambda equal to 8 pi sc upon lambda to power 5, 1 upon sc upon kt d lambda. This is Wien's law. So at shorter wavelength, Planck radiation law reduces into Wien's law. And Wien's law easily explains the graph at shorter wavelength. So therefore, Planck radiation law is also explained this graph at shorter wavelength. Hence, at a smaller wavelength, Planck radiation law reduces into Wien's law. Planck radiation law at longer wavelength or higher wavelength. At higher wavelength, when lambda is large, e to power hc upon lambda kt is very small. Expanding the power series of exponential, e to power hc upon lambda kt equal to 1 plus hc upon lambda kt upon 1 factorial plus hc upon lambda kt square upon 2 factorial plus so on. When lambda is large, then hc upon lambda kt is very small. So higher terms can be neglected. Higher power terms can be neglected. The small number square is also very small number, become very small. So then above expression become e to power hc upon lambda kt equal to 1 plus hc upon lambda kt, or hc upon lambda kt minus 1 equal to hc upon lambda kt. Put this value in Planck's radiation law. So Planck radiation formula becomes u lambda d lambda equal to 8 pi kt upon lambda to power 4 d lambda. This is Rayleigh-Jean's law. And Rayleigh-Jean's law explain the black body radiation spectrum at a larger wavelength. So at longer wavelength, Planck radiation law reduces to Rayleigh-Jean's law. Or we can say Planck radiation law explains the
ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम इजीली एट लोअर वेवलेंथ एंड एट हायर वेवलेंथ. एट लोअर वेवलेंथ इट लुक लाइक अ ग्रीन्स लॉ एंड एट हायर वेवलेंथ इट लुक्स बिहेव लाइक अ रेलाइजीन्स लॉ. So this is Planck radiation law in terms of frequency. In the limit at lower frequency, that is long wavelength, Planck law tends to a Rayleigh-Jeans law. In the limit of high frequency, that is small wavelength, it tends to a Wien approximation, so Wien's law. Conductor, insulator and semiconductors. Conductors. मटेरियल आर केपेबल ऑफ कंडक्टर्स क्या होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी हाई होती है ठीक है और चार्ज कैरियर्स हमारे क्या होते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एग्जांपल है मेटल लिक्विड ठीक है. तो कंडक्टर्स क्या हैं जिनकी कंडक्टिविटी हाई होती है और नॉर्मली हम कंडक्टर्स सेमी कंडक्टर इंसुलेटर्स को जब एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी डाइग्राम करते हैं ठीक है. और एनर्जी डायग्राम में बैंड डायग्राम की फॉर्म में करते हैं कि अगर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो हमारा गैप है उसके अकॉर्डिंग कंडक्टर्स इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को हम एक्सप्लेन करते हैं. तो पहले देख लेते हैं कंडक्टर जिनकी कंडक्टिविटी हाई है चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं. इंसुलेटर्स जहाँ पे फ्री चार्ज कैरियर्स हमें इजीली नहीं मिलते हैं ठीक है. फॉर एग्जाम्पल क्वार्ट्स आयनिक सॉलिड्स प्लास्टिक्स. सेमीकंडक्टर्स मेटल्स विद कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर. तो जब हम मटेरियल को क्लासीफाई करते हैं तो हम टू टर्म्स में कर देते हैं या तो कंडक्टिविटी की टर्म्स में या बैंड डायग्राम की टर्म्स में. कंडक्टिविटी की टर्म्स में यही है कि जिसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी वो कंडक्टर होगा. जिसकी कंडक्टिविटी मिनिमम होगी या ज़ीरो होगी इंसुलेटर होगा. और जिसकी कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच में होगी वो सेमीकंडक्टर होगा. कंडक्टिविटी कितना फ्री चार्ज हमें ईजिली अवेलेबल है. और इन टर्म्स ऑफ बैंड डायग्राम ठीक है अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं तो हम उनको कंडक्टर्स बोलते हैं. वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जब फॉरबिडन गैप या बैंड एनर्जी गैप ज़्यादा होता है तो उसको हम इंसुलेटर्स कहते हैं. अप्रॉक्सीमेटली 5 eV और यहाँ पर ज़ीरो या ये ओवरलैप ही कर जाएंगे. सेमीकंडक्टर के केस में जो बैंड गैप है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होगा ठीक है. तो हम मटेरियल को क्लासीफाई कर सकते हैं 3 types में कंडक्टर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी और ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम. सेमीकंडक्टर्स ठीक है. सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है. और दो तरीके के सेमीकंडक्टर होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर. इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं जो प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम जो प्योर फॉर्म में अगर हम मटेरियल को लेंगे तो वो ऑलरेडी सेमीकंडक्टिंग स्टेट में है. मतलब उसकी जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में है. और या एनर्जी बैंड की बात करें तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में है. तो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर कह रहे हैं जो प्योर फॉर्म में जिसमें इम्प्योरिटी हमने कोई ऐड नहीं की है प्योर फॉर्म में हमें मिल रहे हैं उनको इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम. एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं जिनमें हम कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं और उनको सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं ठीक है. इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद हम उनकी कंडक्टिविटी को चेंज करते हैं और फिर सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं. और दो तरीके के सेमीकंडक्टर्स या हम उसको बना सकते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर. एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या हैं हमने यहाँ पे कोई नेक्स्ट इम्प्योरिटी ऐड की और वो इम्प्योरिटी ऐसी ऐड की कि जो उसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें 5 electrons हैं. तो जब ये सिलिकॉन से बॉन्डिंग करेगा तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाएगा फ्री मिल जाएगा. तो इस तरीके के जहाँ पर जो इम्प्योरिटी ऐड की जाती है
ऐसी ऐड की जाती है जो पेंटावेलेंट, जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हो। तो तब सेमीकंडक्टर अगर हम फॉर्म करते हैं तो उसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है कि जो हमने इम्प्योरिटी ऐड की वो इस तरीके की ऐड की जो ट्राईवेलेंट है, यानी कि जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम इस तरीके की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो यहाँ पर एक सिलिकन बॉन्ड नहीं बना पाता, वॉइड स्पेस हो जाता है, तो होल क्रिएट हो जाता है। इस तरीके यहाँ पर जो हमारे चार्ज कैरियर कह लीजिए, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो होल्स होंगे, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर के केस में यहाँ पे 2 चार्ज कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो इनको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। इसके अलावा और भी सेमीकंडक्टर्स होते हैं। क्या करते हैं हम, 2 तरीके के 2 ग्रुप्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके भी सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं, जैसे कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया, कैडमियम ऑक्साइड हो गया, ये भी सेमीकंडक्टर्स हैं। इसमें हमने 2 ग्रुप्स को अलग अलग लिया है और दोनों को कंबाइन करके सेमीकंडक्टर्स फॉर्म किए हैं। तो सेमीकंडक्टर्स से हम डिवाइसेस फॉर्म कर सकते हैं, डायोड फॉर्म बना सकते हैं। डायोड क्या होता है, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर से ज्वाइन करते हैं और बनाते हैं। देखो वैसे नॉर्मली हम ऐसे 2 स्लाइस को ज्वाइन नहीं करते हैं, बल्कि हम इस तरीके से करते हैं, कोई सा एक सिलिकन मटेरियल ले लिया, उसमें उसकी हाफ पॉइंट, हाफ में हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर इम्प्योरिटी ऐड की, एक हाफ में एन टाइप की। तो नॉर्मली इस तरीके से बनाते हैं, लेकिन फिर भी जो बेसिक डेफिनेशन हम पढ़ते हैं वो यही पढ़ते हैं, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ जोड़ते हैं तो पीएन जंक्शन डायोड बन जाता है। ट्रांजिस्टर या बाइपोलर ट्रांजिस्टर कैसे बनते हैं, 2 तरीके के होते हैं। एक में हम बीच में एन रखते हैं, दोनों साइड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स रख लेते हैं, और दूसरे में हम यहाँ पे बीच में पी टाइप सेमीकंडक्टर रखेंगे, दोनों साइड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स ले लेंगे, एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर्स। जे फैट हम इसमें यहाँ पे की ऐड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा हम मोसफेट बनाते हैं सेमीकंडक्टर से, पीएन से। तो इसमें यही है कि हम उतना मटेरियल करके वो चीज़ इंसर्ट कर देते हैं उसमें, उस तरीके की इम्प्योरिटी या उस तरीके का मटेरियल। क्या क्या काम आते हैं, स्विचेस के काम आते हैं, ट्रांजिस्टर्स के, ट्रांजिस्टर्स जो है एम्पलीफायर्स के काम आते हैं, डायोड्स आपने पढ़े होंगे, रेक्टिफायर की फॉर्म में पढ़ा होगा कि पीएन जंक्शन डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर, एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ट्रांजिस्टर बनते हैं इनसे, स्विचेस बनते हैं, एम्पलीफायर्स बनते हैं। तो हम सेमीकंडक्टर्स का यूज़ डिवाइसेस फॉर्म करने में, सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस फॉर्म करने में कर सकते हैं। अब डिस्कस कर सकते